मंगल सूत्र का ये एपिसोड चल रहा है। महामंगल सूत्र यानी मंगल होता है कल्याण, बेटरमेंट अच्छा, यानी जो किसी का अच्छा हो जाए, कल्याण हो जाए, बढ़िया हो जाए उसके लिए, उसको मंगल बोलते हैं। मंगल का दिन भी इसलिए बोला जाता है यानी कल्याणकारी दिन। सारे दिन वैसे कल्याणकारी होते हैं मगर मंगल का मतलब है कल्याणकारी स्पेशल दिन। इस मंगल सूत्र में जो 38 सूत्र हैं या 38 बातें बताई गई हैं, जो 38 तरीके से चीजें अगर आप जीवन में अप्लाई करेंगे, उनको मानेंगे, उनको सीखेंगे, उनको जीवन में अभ्यास में लेके आएंगे, प्रैक्टिस में लाएंगे, व्यवहार में और बर्ताव में लाएंगे, तो आपका अवश्य ही मंगल होगा इसकी गारंटी है, अवश्य ही कल्याण होगा इसकी गारंटी है। ये मंगल सूत्र इतने ज्यादा सूत्र बोलते हैं, सूत्र बाद में संस्कृत भाषा में बोला गया, ये मंगल सूत्र इतने ज्यादा फेमस और प्रमुख हैं कि लोगों ने अपनी याददाश्त के लिए 19 सूत्रों की यानी मंगल जो मणि है या रत्न है उनकी एक माला में परो के गले में डालना या हाथ में बांधना या कमर में बांधना, इस तरह से भी काम शुरू कर दिया। बाद में मान्यता में सिर्फ मंगल का सूत्र का एक माला सी रह गई और बाकी जो मंगल के गुण थे, जो उसका सही इस्तेमाल था, जो उसको जीवन में अप्लाई करना था, वो खत्म हो गया। और बाद के दिनों में तो सिर्फ महिलाओं के लिए एक बाध्यकारी आइटम रह गया, गुलाम बनाने का, स्लेम बनाने का आइटम रह गया कि आपको ये पहनना है, ये आपके पति की जीवन की लंबी आयु बढ़ाता है। एक धागा या एक कोई माला किसी पति के जीवन की लंबी उम्र कैसे बढ़ा सकती है, किसी का जीवन कैसे बढ़ा सकती है, ये एक बहुत ही हंसने वाली बात है। मगर अगर उन 38 बातों को माना जाए तो वो जीवन बढ़ा सकती हैं, परिवार का, बच्चों का, औरत का, स्वयं का, घर का, मोहल्ले का, पूरे देश का, इसकी गारंटी होती है क्योंकि ये सभी लोग समझते हैं और जानते हैं। तो इसमें जो आगे का सूत्र है वो इस प्रकार से है, बाहु सच्चंच सिपंच विनियो चे सुशिक्षितो सुभाषिता चे या वाचा एतंग मंगल मुत्तमन। बाहु सच्चंच सिपंच, बाहु सच्चंच का मतलब है बाहु सच्चंग चे, बाहु सच्चंग चे, बाहु सच्चंग, बाहु सच्चंग जो बोलते हैं पाली भाषा में इसका मतलब है विद्वान यानी कि जानकार, और चय माने और, क्योंकि सूत्र लगातार आगे बढ़ रहा है तो और करके आगे बढ़ेगा। यानी कि एक मंगल सूत्र है जो सातवां है वो ये कहता है कि आपको विद्वान होना है। विद्वान का मतलब पुरानी भाषा में क्या होता है, पुरानी भाषा में जो पुराने समय में बुद्ध के समय में या बुद्ध से पहले के समय में कोई कॉलेज, कोई स्कूल, कोई डिग्री तो होती नहीं थी, या तो छोटे मोटे कहीं किसी को जानकारी है, जैसे जानकारी किसी को हो गई आज के समय में जैसे कॉलेज के अंदर किताबें पढ़ाई जाती हैं, मगर इसके अलावा जो घर में माँ बाप जानकारी देते हैं वो भी जानकारी है, जो मोहल्ले में कोई पड़ोसी जानकारी देते हैं वो भी जानकारी है, चाहे भले ही खराब है या अच्छी है वो आपको चेक करना है, मगर जानकारी जानकारी है। तो विद्वान होना है यानी विद्या सीखनी है, यानी कि धारण करना है जो सामाजिक ज्ञान है, जो आर्थिक ज्ञान है, जो राजनीतिक ज्ञान है, जो सांसारिक ज्ञान है, जो जीवन की उपयोगी सही तरीके से जीने का ज्ञान है, उसको धारण करना है, उसको सीखना है और अधिक से अधिक सीखना है, इसको विद्वान बोला करते थे। और भी अगर भाषा में गुण में जाएं तो विद्वान का मतलब होता था कि उस विद्या को उसको धारण करेगा, उस ज्ञान को धारण करेगा जो पाप कर्म से रहित होगा, यानी कि पुण्य कर्म से होगा, जिसमें पाप ना हो, जिसमें चोरी ना हो, जिसमें शराब नशा पता अफीम चरस गांजा ना हो, जिसके अंदर हिंसा ना हो, मारना ना हो, हत्या ना हो, जिसके अंदर कोई ऐसा व्यवचार ना हो जो किसी को परेशान करे, मन को दुखी के, या जैसे रिश्वत का है या आलस का है या चोरी चकारी का या झूठ बोलने का है, इस तरह का कोई व्यवहार ना हो, ना ही अन्न दाना हो, यानी कि बिना किसी दान की वस्तु को लेने का कोई अधिकार ऐसा हो। तो इस तरह के ज्ञान को अधिक से अधिक मजबूत करना है, इकट्ठा करना है, ये गुण उसके अंदर होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि चोरी करने के ज्ञान को बहुत सीख ले, या डकैती करने के ज्ञान को बहुत सीख ले, या दुकान पे कम तोलने के ज्ञान को कह दे कि मुझे बड़ी विद्या आती है, या जो आज की डेट में जो कारोबार होता है, जो सेंसेक्स होता है, या जो शेयर मार्केट में होता है, वहां चोरी चकारी करे, सरकार का बहुत ज्यादा शेयर का पैसा चुराए, इनकम टैक्स चुराए या सेल टैक्स चुराए, उसको बहुत बड़ी विद्वता कह दें, या कोई सरकारी अफसर ऐसा बने जो बहुत ज्यादा रिश्वत ले, कहते बड़ा विद्वान है, बड़ा कारगर है, बड़ा साज है, या कहीं कोई डग्गेमारी का काम सीख ले, या कहीं किसी को परेशानी दबाने का काम सीख ले, उसको ऐसी विद्वता नहीं चाहिए, इसमें करामात नहीं चाहिए। इसमें तो अगर करामात सीखता है
तो ये पाप की और पाप कर्म की और पापी की निशानी है, इसको पाप विद्या बोलते हैं। तो सम्यक विद्या सीखनी है, सही विद्या सीखनी है, यह है महामंगल सूत्र का सातवां सूत्र। आगे कहता है सिपंच, सिपंच का मतलब है सिपंच, यानी सिप को और, जैसे इसको बोला कि बहु सच्चंग चे, यानी कि बहुत विद्वान होना चाहिए, बहुत शिक्षा ग्रहण करनी चाहिए सही। और सिपंच चे का मतलब सिपंग माने हो गया शिल्प सीखनी चाहिए, आर्ट सीखनी चाहिए, क्राफ्ट सीखनी चाहिए। तो शिल्प क्या है? शिल्प है जो, क्योंकि उस समय जो इंडस्ट्री होती थी वो बहुत छोटी छोटी इंडस्ट्री होती थी। कैसी इंडस्ट्री होती थी? जैसे एक लकड़ी को छीलने का काम करता है तो लकड़ी को छील के क्या बनाता है? बैलगाड़ी बनाता है, चौखट बनाता है, दरवाजे बनाता है, खिड़की बनाता है, या बच्चों के खिलौने बनाता है, या कोई खेत में उपयोग की चीज बनाता है, या कोई रथ बनाता है। इस तरह की चीजें लकड़ी को छील के बनाई जाती थी, या पानी लाने का सामान है, या तीर बनाने का सामान है। या जैसे बाद में उस समय तांबा आ गया, बताते हैं कि शायद लोहा भी आया नहीं आया, डिस्प्यूट है, मगर तांबे का तो पक्का है। तो तांबे का कोई बर्तन बना दिया, या तांबे का कोई सिक्का बना दिया, या तांबे की कोई चीज बना दी, इस तरह से शिल्प हो गया। या जो बांस है, बांस की बहुत सारी टोकरी बना दी, या बांस की बहुत सारी चीजें बना दी, कुर्सी बना दी, मेज बना दी बैठने के, तो बांस की शिल्प हो गई। या ये घास की शिल्प है, घास से कोई रस्सियां बना दी, बड़ी रस्सियां बना दी, रस्सियों का जाल बना दिया, जाल की झूला बना दी, इस तरह की शिल्प हो गई। तो ये सारे शिल्प में आते थे। जैसे लेदर का, चमड़े का काम होता था, तो चमड़े से जो घोड़े की या जानवर की कमान बनती थी, या उसकी ऊपर की जितनी भी साज सज्जा बनती थी, या उसकी बैठने की सीट बनती थी, या जो पानी की मस्क बनती थी जिसमें पानी भर के लाते थे और लोग पानी पीते थे। ये ध्यान रखें कि मस्क से पानी बहुत आता था। मस्क उसको बोलते थे कि जैसे पूरा एक बड़ा जानवर है और वो मर गया, तो उसकी खाल को इस तरह से निकालते थे कि वो खाल नुकसान ना हो, उसको एक तरफ से छिलके और उसके अंदर पानी भर के लाया करते थे दूर दूर से, और वो पानी को लोग पिया करते थे। मस्क में पानी लेके आते थे और उस पानी को पीते थे। वो मस्क का पानी हमने भी बचपन में काफी पिया है, क्योंकि जो हमारे यहाँ नाली साफ करने के लिए लोग आते थे तो एक नाली साफ करता था और दूसरा मस्क से पानी ला के नाली पे डालता था। ये नगर पालिका की ड्यूटी होती थी, तो मस्क से पानी पीते थे। कई बार मस्क का पानी जानवरों को भी है। तो ये बात बड़ी बेकार सी है कि लेदर में भरा हुआ पानी नहीं पीते थे। बहुत लोगों ने लेदर में भरा हुआ पानी पिया है। और पुराने समय में, और खासतौर से जहां रेगिस्तान या राजस्थान या गर्मी है, वहां तो सब जगह ही पानी का ही थैला होता था, पानी की बोतल होती थी जो चमड़े की बनी होती थी। यानी चमड़े की थैली में पानी को रखकर ऊंट पर या बैल पर या गाड़ी पर लेके जाया करते थे। मटके बहुत बाद में इस्तेमाल हुए हैं और टूट भी जाते थे, तो उसमें चमड़े की बोतल में पानी रख के पीना अच्छा और बढ़िया माना जाता था, क्योंकि पानी खराब नहीं होता था उसके अंदर। तो इस तरह का शिल्प हो गया। या और शिल्प हो गए, जैसे औरतों के श्रृंगार का सामान है, या मालाएं हैं, या फूल हैं, इस तरह का सामान है, या कपड़े बनाने का शिल्प है, या चप्पल बनाने का शिल्प है, या कपड़ों को सिलने का, हाथ से सिलने का शिल्प है। ये छोटे छोटे शिल्प के काम होते थे। और उस समय तक सोना भी आ गया था, तो सोने का भी कोई ना कोई आइटम बनाने का सोने का शिल्प हो गया था। तो ये सारे शिल्प है, तो यानी कि शिल्प भी सीखना चाहिए। आज के समय तो शिल्प बहुत ज्यादा है, इंडस्ट्री बहुत ज्यादा है, हजारों तरह के काम शिल्प में आ गए हैं। तो व्यक्ति को शिल्प सीखना चाहिए, काम सीखना चाहिए, काम सीखने से उसकी तरक्की होगी और उसका जीवन आगे बढ़ेगा। ये है महामंगल सूत्र में मंगलकारी जो आइटम है, आइटम नंबर 8। आगे कहता है सुभाषिता चे या वाचा, सुभाषिता चे या वाचा। सुभाषिता, भाषण करता है कोई, जैसे मैं बोल रहा हूं तो उसको भाषण बोलते हैं। तो भाषण माने भासती, यानी कि जो भासता है, बोलता है, इसको संस्कृत भाषा में भाषण बोलते हैं। पाली में भाषण है, भाषा बोलते हैं, संस्कृत भाषा में भाषा बोलते हैं। शय पाली में नहीं होता, इसलिए भाषा या भासती। तो सुभाषती, जहां सु लग जाए इसका मतलब है अच्छा, बहुत लाभदायक और बहुत अच्छा बोलना चाहिए। सुभाषिता चे या वाचा, यानी चे माने और, वा माने या, वाचा माने वार्तालाप, यानी बात जो करते हैं, यानी कि वार्तालाप के अंदर जो वो होना चाहिए बहुत मधुर और मीठा होना चाहिए। ये उसके अंदर एक मंगलकारी गुण होना चाहिए, जो यहां गुण नंबर 9 है। अगर वो मीठा नहीं बोलेगा तो किसी आदमी के मन में उसके प्रति रेस्पेक्ट नहीं आएगी, प्यार नहीं आएगा, वो उसका हितैषी नहीं बनेगा। क्योंकि कड़वा अगर आप बोलेंगे
तो इसका मतलब आपका मन कड़वा है, आप अंदर से कड़वे हैं, और अगर आप कड़वे हैं तो कड़वे आदमी से कौन बात करना चाहेगा, कड़वी चीज कौन खाना चाहता है। इसलिए जब आप मीठा बोलेंगे तो सामने वाले को एक इंप्रेशन जाता है कि ये व्यक्ति या ये महिला बहुत अच्छी है, चाहे भले ही वो आपका काम करे ना करे, आपका क्या जा रहा है। तो इसलिए आप मीठा बोलेंगे तो आप लाभदायक रहेंगे, आपका परिवार लाभदायक रहेगा। तो मीठा वहां तक बोलिए जहां तक लाभदायक है। कई बार बच्चे को आप कटुता से बोलते हैं, बहुत ज्यादा कठोरता से बोलते हैं, तो कठोरता होनी चाहिए, कटुता नहीं होनी चाहिए। क्योंकि बच्चा अगर किसी बात को नहीं समझ रहा है और मीठा बोलने से वो उसको लिबर्टी ले रहा है, आजादी ले रहा है, और वो समझता है कि मीठा बोला मुझे क्या कहा, तो आपको जोर से बोलना चाहिए, मगर कटुता से नहीं, कठोरता से। जोर से तो बोले मगर मन के अंदर मैल ना लाए, यानी कि सामने वाले को, क्योंकि आपका परिवार है, आपका बच्चा है, आपको ठीक भी करना है। मगर सामने जब आप बोलते हैं किसी से जाते हैं तो हमेशा मधुर ही बोलिए, मधुर बोलने का हमेशा फायदा होता है। यह है महामंगल उत्तम सूत्र का 9वां भाग, 7, 8, 9 आर। इसमें विनय के नियम वो होते हैं जो दुनिया के लिए बहुत अच्छे होते हैं और आपके जीवन के लिए हमेशा लाभकारी होते हैं, यानी रूल ऑफ कंडक्ट, आपके बिहेवियर के नियम, आपके व्यवहार के नियम, जो हमेशा आपके व्यवहार को ये बताते हैं कि ये व्यवहार अभी अच्छा हो रहा है या नहीं। जब भी आप विनय के नियम तोड़ेंगे इसका मतलब यह है कि आपका व्यवहार ठीक नहीं है। और सुशिक्षितों का मतलब है अच्छी तरह से शिक्षित होना चाहिए। अब शिक्षित जो है, पंजाब के अंदर बहुत सारे सिख हैं, वो सारे सारे पुराने समय के शिक्षित लोग हैं जो 5 बातें नहीं करते, यानी कि जो चोरी नहीं करते, जो व्यभिचार नहीं करते, जो हत्या नहीं करते, जो झूठ नहीं बोलते और जो शराब नहीं पीते। जो 5 लोग इस काम ये नहीं करते थे उनको सिख बोला जाता था, और जो अच्छी तरह से इस काम को नहीं करते हैं और औरों को भी सिखाते हैं उनको सुशिक्षित बोला जाता है, यानी कि अच्छी प्रकार से शिक्षित होना चाहिए। तो शिक्षा जो है वो अच्छी प्रकार से होनी चाहिए, और शिक्षा का मतलब है कि वो सारी बुराई आपके अंदर नहीं आनी चाहिए जो समाज और देश और आपके परिवार और आपके लिए बुरी हैं, और वो सारी अच्छी बातें सीखनी है आपको जो आपके लिए, आपके परिवार के लिए, आपके मोहल्ले के लिए, आपके पड़ोस के लिए, आपके राज्य के लिए और आपके देश और दुनिया के लिए ठीक है। तो ये है जो नियम है यहाँ, 7, 8, 9, 10, 11 पूरे के पूरे नियम यहाँ ये बताए गए हैं, जो महामंगल सूत्र में जो 4था सूत्र है उसके हिसाब से आता है। ऐतंग मंगल मुत्तमंग, ये मंगल में उत्तम हैं, यानी मंगलों में ये उत्तम हैं। ये है महामंगल मुत्तमंग या महामंगल सूत्र। धन्यवाद। आपने मंगल सूत्र का नाम सुना होगा, बड़ी बड़ी इमोशनल पिक्चर आती हैं मंगल सूत्र के ऊपर। स्त्री अपनी जान देने को तैयार होती है, मगर जब विलेन यानी जो खलनायक होता है अगर वो मंगल सूत्र पे हाथ डाले तो हीरो को गुस्सा आ जाता है, जो महिला है वो आग बबूला हो जाती है, उसमें शक्ति आ जाती है। मेरा मंगल सूत्र छीना तो समझो मेरे पति के प्राण छीन लिए। ऐसी महिमा मंडित करके मंगल सूत्र की डालते हैं ताकि मंगल सूत्र बिके और व्यापार चले, क्योंकि मंगल सूत्र में जो मनके होते हैं यानी कि जो मणि होती हैं, काले काले मोती होते हैं, वो भी तुलते हैं सोने के साथ में, उनका पैसा लगता है, तो उसमें अच्छी कमाई ज़्यादा होती है। मंगलसूत्र बेसिकली एक गले में पहनने का ऐसा एक आभूषण है, एक ऐसा विभूषण है जिसमें काले मनके लगे होते हैं, और ट्रेडिशनली तो पीला धागा होना चाहिए, अभी सोने में भी वो आता है। मैंने बहुत छाना मगर मंगलसूत्र के बारे में आपको इससे ज़्यादा जानकारी कोई देगा नहीं। बेसिकली मंगल सूत्र जो है वो पुरुषों के और महिलाओं के, यानी कि जो नर हैं और नारी हैं, दोनों के ही पहनने की चीज़ है। बच्चे भी पहन सकते हैं, बूढ़े भी पहन सकते हैं, सभी पहन सकते हैं, क्योंकि मंगल सूत्र बहुत कमाल की चीज़ है, उसको पहनना चाहिए। और अगर आप उसे पहनते भी नहीं हैं तो कोई बात नहीं, मगर उसे मानना जरूर चाहिए, उसकी प्रैक्टिस जरूर करनी चाहिए। अगर मंगल सूत्र को आप मानते नहीं हैं, प्रैक्टिस नहीं करते हैं, तो सच में आपकी जान को खतरा रहता है, चाहे आप नर हैं या नारी हैं या बच्चे हैं या पुरुष हैं या कोई भी आप है। मंगल सूत्र का मतलब है जो कल्याण करे, यानी मंगल। और सूत्र यहां बोला जाता है पाली में, इसको सूत्र बोलते हैं, यानी कि ऐसे वचन, ऐसी बात जो आपका कल्याण करे। और अगर महा लगा दें पहले तो महामंगल सूत्र हो जाता है, यानी कि बड़े कल्याण करने वाले, अच्छा करने वाले सूत्र। इन सूत्रों को, ये सूत्र लोगों का कल्याण करते थे, बुद्ध की वाणी है। 38 उन्होंने बताए, 38 महिलाओं के लिए, पुरुषों के लिए, बच्चों के लिए, सभी के लिए समान है, सभी के लिए बराबर है, खाली महिलाओं के लिए नहीं है। मगर पुरुष ने इन नियमों पर चलना बंद कर दिया, इसलिए पुरुषों ने इसकी महिमा खत्म कर दी और महिलाओं को जबरदस्ती दिया गया कि तुम्हें ये मंगलसूत्र मानने पड़ेंगे,
तुम्हें याद रहे इसलिए तुम्हारे गले में ये 19-19 मनकों की माला, यानी कि 19 मोती इधर हैं, मणि इधर हैं, और 19 मणि इधर हैं काले रंग की। काले मतलब काले लोग होते थे इसलिए काले हैं। और पीले धागे का मतलब है क्योंकि बुद्ध का जो रंग मानते हैं वो भगवा कलर को पीला रंग भी बोल देते हैं। भगवा कलर का धागा यानी बुद्ध के वचन है, बुद्ध ने बताया है। तो मंगलसूत्र का मतलब है कि 38 वो बातें जो काले लोगों की हैं और जो भगवान ने बताई हैं इसलिए पीले धागे में हैं। आपको याद रहे इसलिए उनको 38 मनकों को आप गले में डाल लीजिए और बीच में एक धम्म चक्र डाल लीजिए जो बाद में आया, तो आपको याद रहेगा कि ये धम्म की बातें हैं, कल्याण की बातें हैं। ये उसका प्रतीक बना। जब लोगों ने उन बातों पर चलना छोड़ दिया तो खाली ट्रेडिशन रह गया, परंपरा रह गई। लोग ये तो भूल गए कि वो मंगल क्या थे, मंगल सूत्र क्या थे, मंगल वचन क्या थे, वो कौन सी कल्याणकारी बातें थी, वो कौन सी गुड टॉक्स थी, गुड थिंग्स थी जो हमें 38 थी, 38 थी अप्लाई करनी थी। वो गले में 38 मन के बांध के बस काम खत्म हो गया और बाद में व्यापार में बदल गया। जितना जिसको बड़ा मंगलसूत्र जो ले सकता है, सुनार जो थे, जो स्वर्णकार थे, उनके मजे आ गए, वो वहाँ अपना धंधा करने लगे और उसके हिसाब से उनके मंगलसूत्र बिकने लगे। फिर ट्रेडिशन बन गया और फिर मंगलसूत्र को पति की जीवन से जोड़ दिया। बेसिकली तो पति अगर उन पे चलेगा तो उसका जीवन बचेगा, पति अगर नहीं चलेगा तो पति का जीवन खतरे में रहेगा। ऐसे ही अगर स्त्री उन 38 सूत्रों को मानेगी, 38 बातों को मानेगी तो उसका जीवन कल्याणकारी रहेगा, वरना तो डामाडोल रहेगा, खत्म सा रहेगा, चाहे वो सांस लेते रहें या जीवित रहें। तो वो जो मंगलसूत्र हैं या महामंगलसूत्र हैं, वो सारे मंगलसूत्र भगवान बुद्ध ने बताए हैं। आप सभी से ये निवेदन है कि अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगती है या बाकी वीडियो अच्छी लगी हैं और आपको लगता है कि धम्म की वीडियो किसी को और मिलनी चाहिए या किसी को गिफ्ट में भेजनी चाहिए या किसी भाषा में कन्वर्ट करके आगे बढ़ानी चाहिए या प्रिंट में किताब में छापनी चाहिए या इसकी जो ऑडियो है उसे निकाल के भेजना चाहिए या इसका किसी पार्ट को इस्तेमाल करना चाहिए, तो आपको लिबर्टी है, आपको छूट है। ये सभी कॉपीराइट फ्री हैं। आप अपने फेसबुक पे, अपने पेज पे, अपने ट्विटर पे या अपने हैंडल पे या लिंक को कहीं भी शेयर कर सकते हैं, कहीं भी चला सकते हैं। आप यूट्यूब पे भी चला सकते हैं, अपने नाम से चला सकते हैं। इसके लिए इजाज़त लेने की या परमिशन लेने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। आप इसको अपना मान के चलाएं क्योंकि धम्म सबका है। हम जो बताते हैं वो भगवान बुद्ध का है या महापुरुषों का है, उन्हीं की बात को सरल भाषा में बताते हैं। हमारा सिर्फ इतना राइट है इस पे कि हम इसको लोड कर देते हैं, बाकी सारी ये पूंजी आपकी है। धन्यवाद। नमो तस्सा भगवतो अरहतो सम्मासम्बुद्धस्स। नमो तस्सा भगवतो अरहतो सम्मासम्बुद्धस्स।